हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइडर एक्सेल। सो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टीलवर्ट एसपीएस 17 टर्मिनेटर हेलमेट के बारे में, जो कि एक रोबोटिक हेलमेट है जिसके ऊपर लिखा भी होता है रोबोट। तो इसकी एक प्रॉब्लम आई थी पहले, मतलब प्रॉब्लम आई नहीं थी, इसके प्रॉब्लम के रिलेटेड मेरी वीडियो आई थी और जिसपे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इसका ये ब्लैक बटन कैसे खोलें। ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक बटन, सबसे ज़्यादा इस ब्लैक बटन ने परेशान कराया लोगों को। कुछ हद तक लोगों की मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिन जिनको ये ब्लैक बटन खोलना आ गया, क्योंकि मैंने उस वीडियो में अपने ये ब्लैक बटन खुलाया दिखा दिया था, खोलना नहीं सिखाया था। सो आज मैं इस हेलमेट की वो पुरानी वाली प्रॉब्लम, मतलब वाइजर लॉक प्रॉब्लम। इस हेलमेट में एक प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको अभी बोलना भूल गया, इस हेलमेट में एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है इसका वाइजर लॉक। ये ऐसे लगाओ नीचे तो लगता नहीं है, खुल जाता है वापस, क्योंकि इसका पूरा सिस्टम स्प्रिंग के ऊपर है, सारे स्प्रिंग्स के इसका वाइजर ऑटोमेटिक खुलता है ऊपर ये रेड वाले बटन से। तो इसकी प्रॉब्लम इस हेलमेट के साथ आती आती है 100% आएगी। किसी का भी हेलमेट रहे, जितने भी हेलमेट है इस कंपनी के, मेरे ख्याल में सब में ही आनी है ये प्रॉब्लम। पता नहीं स्टीलवर्ट कुछ कहो ही मत। तो ये जितने इसके यूज़र्स हैं, जितने बायर्स हैं, उनको सबको इसकी ये प्रॉब्लम आती है। तो भाई उसके रिलेटेड मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ आज, ये ब्लैक बटन कैसे खोलें और इसकी पुरानी वाली प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व कर दिखाऊंगा। तो आप क्लोज से समझते हैं इसको। इसका ब्लैक बटन इतनी दूर से मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूँ, कैमरा मैन भी है नहीं, मैंने कैमरा लगा रखा है। तो इसके ब्लैक बटन मैं खुद अभी दिखा रहा हूँ, खोल के आपको समझाऊंगा कि ये ब्लैक बटन कैसे खोलें, जिससे रिलेटेड आपने मुझे कमेंट करे थे। मैंने पिछले वीडियो में कमेंट पढ़े, आपको लोगों के जवाब भी दिए और बहुत सारे लोगों की मैंने इंस्टाग्राम पर हेल्प भी करी, जिन जिन ने मुझे डीएम्स करे थे सबकी मैंने वीडियो कॉल पर हेल्प करी, व्हाट्सएप पर भी हेल्प करी और जितनी हो सकी मैंने सबकी हेल्प करने ट्राई किया। फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रह गए थे, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स अभी भी है इस हेलमेट के रिलेटेड। तो मैं भाई आज सही कराने वाला हूँ, आओ देखते हैं क्लोज से इसका ब्लैक बटन कैसे खोलें। तो ये रहा इसका ब्लैक बटन जो कि दिख रहा होगा, ये हटा के दिखाता हूँ आपको। ये ब्लैक बटन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है लोगों को ये। तो आओ इसके बारे में दिखाता हूँ ये कैसे खोलना है, ये वाली बीच वाली स्पेस में अभी दिखाता हूँ आप। तो आपको चाहिए ये वाला स्क्रू ड्राइवर जिसकी एक साइड ऐसी होती है और एक साइड वो प्लस वाली होती है जो कि इसके अंदर है। एक हाथ से मैं निकाल के, हाँ, तो एक साइड ये प्लस वाली होती है प्लस, और एक साइड ये चपटी वाली होती है। सबसे पहले आपको चपटी का यूज़ करना है इस वाली साइड का, और आपको लगानी है सबसे पहले इस ब्लैक बटन के अंदर, इसके यहाँ इस वाली जगह में लगानी है और इसको बाहर के लिए प्रेस कर देना है, बाहर ऐसे इसको बाहर के लिए, या फिर इसको लगा के यूँ ऐसे करना है ऐसे स्टेप से। खुल गया देखो, ये बाहर आ गया है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, उसका ध्यान रखना स्प्रिंग ना खो जाए। और जो ये वाला स्क्रू दिख रहा है ना, उसके अंदर स्क्रू, उसको आपको ये इस वाले पेचकस का दूसरा साइड, ये दो साइड का पेचकस लेना है, दूसरा साइड या पहली साइड से, ये वाला भी इसका एक साइड, ये प्लस वाला अगर दिख रहा हो तो प्लस वाली साइड का पेचकस से इसको, इस स्क्रू को टाइट कर देना है, दिख रहा होगा टाइट कर देना है इसको सही से। जिससे ये टाइट हो जाएगा और अपने स्प्रिंग का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो स्पेस बन जाती है ये इसके बीच में, इस वाली स्पेस को कम कर देना है बिल्कुल, ये यहाँ पे स्पेस हो जाती है इसको कम कर देना, आपका वाइजर लॉक होने लगेगा। नीचे देखो होने लगा, यहीं का यहीं नीचे रुक जाएगा। और इस स्क्रू को, इस वाले ब्लैक बटन को दोबारा लगाने के लिए इसको बस यहाँ पूरा निकल जाएगा ऐसे करके, ये इसको दोबारा लगाने के लिए आपको यहाँ लगाना है इसे, और इसको दोबारा अंदर के लिए प्रेस कर देना है बस, ये कट की आवाज़ आएगी और ये लॉक हो जाएगा। ईजी प्रोसेस है, आप कर सकते हैं घर पर और आपका हेलमेट ठीक हो जाएगा। जैसे मैं अपना कर लेता हूँ, जब ख़राब होता है तब कर लेता हूँ, क्योंकि इस वाले हेलमेट में यही प्रॉब्लम है इसका, ये स्क्रू ज़्यादा दिन नहीं चलता, मतलब ज़्यादा दिन रुका नहीं रहता एक जगह पे, ये जल्दी जल्दी ढीला होता रहता है। एक महीने तक टाइट चल जाएगा, एक महीने बाद फिर ढीला हो जाता है, ये सीन रहता है। इसलिए मैंने आपको सही करना बता दिया ये ब्लैक बटन, अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर एक बार बता दे रहा हूँ। ब्लैक बटन में आपको करना क्या है, ब्लैक बटन के जो बीच में स्पेस है ना, ये वाली जो आपको जहाँ स्क्रू ड्राइवर लगा के दिखा रहा हूँ, इस स्पेस में स्क्रू ड्राइवर लगा के आपको इसे बाहर के लिए पुश करना है बस, ऐसे लगा के, या फिर आपको ऐसे कर देना है ऐसे हटका के इधर को कर देना है, या फिर इधर से धक्का लगाना ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी इससे कुछ हेल्प मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, आपका हेलमेट ठीक हो जाए, तो कमेंट में थैंक यू लिखते जाना और
मतलब ठीक होने के बाद थैंक यू लिख देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।